हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। चलिए हम पहले ही भाषा की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे आप सबको पता ही है मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है। तो मनुष्य जब अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, देखिए बेटा जैसे किसी मनुष्य का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या जैसे वो कोई उसको कोई खुशी है या कोई दुख है, तो सबसे पहले वो कैसे करेगा, बोलकर ही उनको प्रकट करेगा। अगर उनको बोलना नहीं आता है तो वो कैसे करेंगे, लिखकर प्रकट करेंगे। ठीक है, तो मनुष्य के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अभी देखिए बेटा, जैसे हमारी मेन भाषा क्या है, हिंदी। हम किस भाषा में बात करते हैं, ज़्यादातर हिंदी में ही करते हैं। लेकिन जो जहाँ जहाँ रहता है, जिसकी जो मेन मुख्य भाषा होती है, जैसे बेटा इंग्लिश है, हिंदी है, जो भाई अलग कंट्री में रहता है, जापानीज़ वगैरह है, तो वो उन भाषा में क्या करता है, वो अपनी फीलिंग शेयर करता है। ठीक है, तो मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, तो वैसे तो देखिए बेटा भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ मौखिक एंड सेकेंड इज़ लिखित। मौखिक मीन्स इज ओरल। ठीक है, ओरल देखिए बेटा, जैसे ओरली से आपको क्लियर हो ही रहा है, जब हम अपने मन के भावों विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, मींस बोलकर प्रकट करना। ठीक है, अभी देखिए बेटा, जैसे गांव में हमारे बड़े रहते हैं, दादाजी वगैरह रहते हैं, तो उनको इतना एजुकेशन की नॉलेज नहीं होती थी उस टाइम पे, तो वो अपने, लेकिन वो भाषा का अच्छे से क्या होता है, ज्ञान होता है, तो वो अपनी फीलिंग्स को या अपने विचारों को, भाव को कैसे प्रकट करते थे, बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, वो हमारा मौखिक भाषा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज लिखित भाषा। तो देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त मीन्स प्रेजेंट करना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लिखित भाषा। अभी देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हमारे रिलेटिव है, कोई हमसे बहुत दूर रहता है, किसी कंट्री में रहता है या अलग से स्टेट में रहता है, तो पहले क्या होता था, हमारे पास फ़ोन की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो हम कैसे अपनी फीलिंग्स को या अपने भावों को, विचारों को कैसे, तो हम लेटर के द्वारा, पत्रों के द्वारा ही हम अपने मन विचारों को हम अभिव्यक्त करते थे, प्रेजेंट करते थे। बट अब क्या है, फ़ोन की फैसिलिटी है हमारे पास, तो हम जैसे फ़ोन में SMS के द्वारा ही हम अपनी फीलिंग्स को हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है लिखित भाषा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट विषय है लिपि। ठीक है, तो अभी देखिए, भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जैसे अब हम भाषा होती है, हमारी भाषा के लिखने का तरीका होता है, जैसे कोई भाषा दाई से बाई की तरफ लिखी जाती है, तो कोई बाई से दाई की तरफ लिखी जाती है, तो जो भाषा का व्यवस्थित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोली। देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अभी आप जानते ही होंगे, जैसे भी बोली, अब आपसे कोई पूछेगा बोली और भाषा में क्या अंतर है, देखिए बेटा बोली क्या है, अलग अलग यानी क्षेत्रीय रूप, यानी अब जैसे आप अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे, अलग अलग आप राज्यों में जाओगे, तो क्या होता है, अलग अलग बोली बोली जाती है। आप अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो क्या होगा, बोली चेंज भी हो जाती है। जैसे हरियाणा में जाओगे तो हरियाणवी बोली बोली जाएगी, राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में अलग से बोली बोली जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप, यानी क्षेत्र मीन्स जो पर्टिकुलर प्लेस पर बोली जाती है। ठीक है, अभी आपसे कोई पूछेगा भाषा में और बोली में क्या अंतर है, तो देखिए बेटा भाषा क्या है, भाषा का क्या रूप होता है, विस्तृत रूप होता है, मतलब भाषा एक बहुत बड़े विस्तृत रूप में बोली जाती है, और बोली एक छोटा रूप होता है। ठीक है, तो वो क्षेत्रों में ही बोली जाती है। ठीक है, और भाषा का क्या होता है, लिखित रूप होता है, लेकिन बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्याकरण। देखिए अगर हम देखें बेटा, अभी कोई भी हम भाषा सीखते हैं या अभी कोई भी हम बोली भाषा सीखेंगे, तो हम पहले क्या सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, व्याकरण के नियम सीखते हैं, कि जो भी अगर हम भाषा बोलेंगे तो उसमें कोई हम बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। देखिए भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अभी हम अब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी हम भाषा सीखते हैं, तो उसको हम, उसका जो शुद्ध रूप होता है, उसको हम किसके द्वारा अच्छे से लिख सकते हैं, व्याकरण के द्वारा, कि चाहे हम नहीं चाहते कि उसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो। ठीक है, कोई भी जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं या हिंदी सीखते हैं, तो पहले हम फर्स्ट क्या सीखते हैं, हम ग्रामर सीखते हैं, व्याकरण।
ठीक है, कि जिससे हमारी भाषा में कोई नियम गलती न हो, मिस्टेक न हो, ठीक है। तो भाषा का जो शुद्ध रूप हो, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए हम नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। ओके बेटा।